चाहे पंजाब हो या दिल्ली, आम आदमी पार्टी दिन ब दिन बिखरती नजर आ रही है। हालांकि इस बीच कई नेता ऐसे हैं जो पार्टी की साख को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब में जिस दिन पार्टी हाईकमान द्वारा गुरप्रीत सिंह बड़ैच को प्रधान पद से हटाया गया और भगवंत मान को वो जगह दी, उसी दिन अपना पार्टी के हर पद से इस्तीफा देने वाले, खुद को महज पार्टी का वॉलंटियर बताने वाले सुखपाल खैरा आज जलंधर से पार्टी की साख बचाते हुए नजर आए। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया में ये कहा जा रहा है कि पार्टी में कई विधायक पार्टी छोड़ बीजेपी में जा रहे हैं, महज एक अफवाह है जिसे खुद भाजपा द्वारा फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर एक दूसरे के साथ ऐसा कोई मतभेद नहीं है, मीडिया में जो दिखाया और लिखा जा रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। खुद के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वो पिछले 2 दशकों से एक ही पार्टी के साथ जुड़े थे, पर जब उन्होंने आम आदमी पार्टी की सोच को देखा और सुना तो उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। अपने इस्तीफे के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पार्टी जिस सोच और सिद्धांतों से पंजाब में आई थी उससे भटकती नजर आ रही है, यही कारण है कि उन्होंने पार्टी के सभी ओहदों से इस्तीफा दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि गुरप्रीत सिंह बड़ैच से उनकी बात हुई थी, गुरप्रीत बड़ैच ने उनसे कहा कि पार्टी ने उनके खिलाफ फैसला लेने से पहले उनको सूचना नहीं दी या इस बारे उनको बात करनी जरूरी नहीं समझा। भगवंत मान के बारे में उन्होंने कहा कि वो भगवंत मान के साथ है। ब्यूरो फिर अचानक न्यूज जलंधर। देखो मैं इसलिए तुहाडे दरमियान आया वहां कि पिछले चंद दिनों तो एक बहुत कूड प्रचार किया जा रहा, मन घड़त कहानियां प्लांट कीतियां जा रही, पता नहीं केड़े वेस्टेड इंटरेस्ट ने जिहड़े इह कहानियां अखबारां च दे रहे ने। कोई अखबार लिख रही है कि आम आदमी पार्टी के MLA कांग्रेस में जा रहे हैं, कोई अखबार लिख रही है कि आम आदमी पार्टी की BJP के नाल 11 MLA की गल हो गई है। कोई सोर्स नहीं दस रहा, कोई नाम नहीं दस रहा, और महज आम आदमी पार्टी के MLAs नूं ते वर्कर्स ते केडर्स ते रैंक एंड फाइल नूं डिमोरलाइज करन दे जिहड़े उपराले कीते जा रहे हैं, इन्हां सारियां गल्लां नूं मैं सिरे तो नकारदा वां। आई टोटली डिबंक, आई ट्रैश, आई आउटराइटली रिजेक्ट द मलेशियसली फॉल्स अनकॉल्ड फॉर अनफाउंडेड प्रोपेगेंडा बीइंग लॉन्च्ड अगेंस्ट द आम आदमी पार्टी, पर्टिकुलरली इट्स MLAs। और मैं तुहानूं दावे नाल कह सकदा वां कि सारे पार्टी के MLAs आर टोटली यूनाइटेड। असीं 8 तरीक नूं दिल्ली वाली मीटिंग भी दे 20 MLA सीगे, अज मिस्टर फुलका की अगवाई में गवर्नर पंजाब नूं सारे MLAs मिल रहे हैं। असीं MLAs ना आपस विधानसभा की कमेटियां दे मीटिंगां विच सारे इकट्ठे होंदे रहिंदे आ, और मेरा सारे MLAs दे नाल तालमेल है। एक भी MLA आम आदमी पार्टी का किसी होर पार्टी में नहीं जा रहा। अगर कोई आगू कह रहे हैं BJP के या कांग्रेस के, अगर उन्होंने हिम्मत हैगी फिर आ के सानू नाम दस देन कि MLA ते कि आगू उन्हां दे नाल इन टच आ, तो मैं अखबारों वालों ते मीडिया नू हाथ जोड़ के बेनती करूँगा कि तुसी इस तरह दीयां प्लांटेड स्टोरीज कृपा करके ना लाओ। इहदे नाल अखबार का भी रुतबा घटदा वा ते लोगों च एक खदशा पैदा हुंदा। रहेगी गल किते किते इह भी लिख रही अखबारां कि सुखपाल सिंह खैरा जिहड़ा है वह BJP दे नाल इन टच आ। हुण जिहड़े लोग साडे पछोकड़ नू जाणदे ने, जिहड़े लोग मेरे पिता जी सरदार सुखजिंदर सिंह उहनां नू जाणदे ने, जिन्हां ने बतौर विद्या मंत्री एजुकेशन बतौर विद्या मंत्री ਦਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਦਣ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਝੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂ मैं पार्टी बदली सीगी, लेकिन मैं पार्टी 20 साल सेवा करके 2 दहाके कांग्रेस में सेवा की, ईमानदारी नाल की, तनदेही नाल की, झूठे परचे दर्ज कराए, खमियाजा भुगतिया, और फिर 2 दहाकों तो बाद मैं जो देखा कि आम आदमी पार्टी एक अच्छी विचारधारा वाली पार्टी है जिद VIP कल्चर के खिलाफ है, भ्रिष्टाचार के खिलाफ है, ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल है, हाईकमांड कल्चर के खिलाफ है, ये सारिया गल् मैं अपील की मैं आम आदमी पार्टी में आया। इसलिए मैं कहना चाहना कि असी कोई इदां दे बेगैरते ते कोई अकिरतकान आदमी नहीं गे जिहड़े असी अपनी पार्टी नूं क्राइसिस दे या लोड़ वाले समय असी छड्ड के जाइए। ये सारियां टोटल गल्लां मन घड़त ने।